हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। स्टूडेंट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? आर्किमिडीज कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को मुकम्मल तौर पर या उसका कुछ हिस्सा लिक्विड के इमर्स किया जाता है, डबोया जाता है, तो लिक्विड उसके ऊपर एक अपसरण फोर्स लगाता है, ऊपर की जानिब एक फोर्स लगाता है। ये फोर्स कितनी होती है? जितना लिक्विड इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर। ये है। अब इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले पार्ट में क्या बता रहा है आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जब लिक्विड में डुबोया जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी, अपसरण फोर्स होगी, ऊपर की जानिब एक फोर्स अप्लाई होगी। दूसरे पार्ट के अंदर हमने ये बताना है कि कितनी फोर्स अप्लाई होगी। तो बच्चों, पहले हम ये देख लेते हैं क्या वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता। एक एग्जाम्पल रियल लाइफ से देख लेते हैं। हमारे पास ये एक एयर फिल्ड बैलून है और ये बाउल जिसके अंदर हमने वाटर रखा हुआ है। अब बैलून को इसके अंदर ऐसे इमर्स करने की कोशिश करें, आप फोर्स लगाएंगे, छोड़ेंगे तो ये वापस ऊपर की तरफ आपको आता मालूम होगा। लिक्विड इसके ऊपर ऊपर की जानिब एक फोर्स लगाता है, इस फोर्स को हम अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये एक लाइट वेट बॉल है जो कि एयर फिल्ड होती है, बहुत लाइट होती है ये। इसके जब आप लिक्विड के अंदर इमर्स करेंगे, आप ऐसे इसके अंदर इमर्स करेंगे, छोड़ोगे तो वापस ऊपर की तरफ ये आता हुआ मालूम होगा, आपको दिखाई देगा। तो ये जो इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाने वाली जो फोर्स है लिक्विड की, उसको हम अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। स्टूडेंट, अब इसके अंदर एक और जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के इक्वल, डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के इक्वल अपसरण फोर्स लगती है। तो डिस्प्लेस वाटर का कंसेप्ट भी हम समझ लेते हैं। बच्चों, ये हमारे पास एक फ्लास्क है जिसके अंदर 3 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो लिक्विड पड़ा हुआ है, मे बी वाटर है। ओके, इसके अंदर हमने एक स्टोन को डिप किया। जैसे ही हमने स्टोन इसके अंदर इमर्स किया है तो उससे क्या हुआ, वाटर का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ आ गया। देखिए, अब ये 4 सेंटीमीटर क्यूब पर आ गया। तो अब जो वाटर है वो 3 सेंटीमीटर क्यूब से बढ़कर 4 सेंटीमीटर क्यूब तक चला गया। अब ये जो 3 से 4 तक है ना बच्चों, इस वाटर को हम डिस्प्लेस्ड वाटर कहते हैं। ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम इसका इंक्रीज हुआ, ये डिस्प्लेस्ड वाटर है। 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑलरेडी था, अब जब 4 पे गया तो इसके अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब का इंक्रीज है। बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेस्ड वाटर। तो ये डिस्प्लेस्ड वाटर है ना, इसके वेट के इक्वल अपसरण फोर्स लगती है। ओके, इसके अलावा और बहुत सी आपके पास एग्जांपल हैं। आपने अक्सर ये फील किया होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर पड़ा होता है तो उसका जो वेट है वो कम मालूम होता है, लेकिन जब लिक्विड से बाहर आता है तो उसका वेट बहुत ज्यादा मालूम होता है। आप कोई भी एक रस्सी के साथ कोई भारी सा पत्थर बांध दें या कोई एक ऑब्जेक्ट उसके साथ अटैच कर लें, आप उसको लिक्विड में इमर्स करें, जब आप ऊपर खींच रहे हैं ऊपर की तरफ, जब तक वो लिक्विड के इनसाइड है तब आपका जो फोर्स है वो कम लगेगी इसको ऊपर खींचने के लिए। लेकिन बच्चों, जैसे ही वो लिक्विड से बाहर आया ना, अब आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको खींचने के लिए। अगर आप चाहते हैं एक बॉक्स ले लें जिसके साथ रस्सी बांध के आप घर में मौजूद जो नीचे वाटर स्टोरेज होती है जमीन के अंदर, उसमें से पानी निकालना चाहते हैं, तो आप निकालने की ये कोशिश करें, जब तक बॉक्स इनसाइड द वाटर है आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी ऊपर खींचने के लिए। जैसे ही वो वाटर से बाहर आएगा अब आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों बच्चों? जब वो वाटर के इनसाइड था तो एक फोर्स आप लगा रहे हैं ऊपर खींचने के लिए और आपकी हेल्प कर रही है अपसरण फोर्स, वो भी ऊपर की तरफ पुश कर रही है। लेकिन जैसे ही वो ऑब्जेक्ट वाटर से बाहर आया, अब अपसरण फोर्स एक्ट नहीं कर रही, अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको सारी फोर्स अपनी लगानी पड़ेगी, इसलिए आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। इसी तरह से एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो एयर के अंदर आप करते हैं तो कुछ और मालूम होगा, और उसी का वेट अगर आप लिक्विड के अंदर इमर्स करके करेंगे बच्चों तो आपको कुछ और मालूम होगा। देखिए जरा, हमारे पास ये एक एग्जांपल है, हम इस स्टोन का वेट कर रहे हैं, ये एयर के अंदर है, इसका वेट है W1। अब हमने एक ऐसा बीकर लिया है जिस बीकर के अंदर हमने इतना वाटर फिल कर दिया कि आप इसके अंदर अगर एक ड्रॉप भी वाटर ऊपर को डिस्प्लेस हुआ तो वो इससे बाहर आ जाएगा, लिक्विड के अंदर नहीं रहेगा, जैसे हमारे पास ये सिचुएशन दिखाई गई है। अब इस बीकर के अंदर हमने इस स्टोन को इस बीकर के इनसाइड रखा, तो बच्चों आपको क्लियरली नजर आएगा कि इसका जो बैलेंस है ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी इसका वेट जो है वो कम होता दिखाई देगा आपको। जो पहले का वेट था एयर के अंदर W1, जो इसके अंदर ये वेट आया वो W2। अब जो बेसिकली क्यों ऐसा हुआ, इसका वेट क्यों कम हुआ, क्योंकि बच्चों लिक्विड ने एक अपसरण फोर्स लगाई। वेट क्यों इंक्रीज होता है कि जो इस स्टोन को अर्थ जिस फोर्स के साथ खींच रही है वो वेट है, अब उसके अपोजिट में एक अपसरण फोर्स लगा रही है जो उसको कम कर रही है, इसीलिए बच्चों जो W2 वेट है वो हमारे पास थोड़ा कम लगता है। क्यों?
क्योंकि वेट के अगेंस्ट अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट हो रही है जो उसको रिड्यूस कर देती है। ये वजह है कि यहां पर डब्ल्यू टू जो है वो आपको कम मिलेगा। अब बच्चों अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि कितनी इसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स लगी है तो आप इन दोनों को माइनस कर दें, डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू, तो आपको पता चल जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी अपथ्रस्ट फोर्स लगी है। इसके अलावा अगर आप एक और भी तरीका है, अब देखें यहां पर जब आपने इसको वाटर के अंदर इस स्टोन को इमर्स किया तो इसके अंदर मौजूद जो लिक्विड है वो यहां से बाहर आ जाएगा, क्योंकि बच्चों मैं बता चुका हूं कि जब हम कोई चीज इमर्स करते हैं तो वाटर का लेवल अप जाता है। तो जैसे ही इसका हमने इसको इमर्स किया वाटर का लेवल ऊपर जाएगा तो जितना भी वाटर डिस्प्लेस होगा वो सारे का सारा यहां से बाहर आ जाएगा। अब ये ऑपरेटस ऐसा ऑपरेटस है जो जितना भी वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसको सेपरेट करके इसके अंदर ले आएगा। अब अगर आप इसका वेट करेंगे ना बच्चों तो आपको इसके वेट के इक्वल आप थ्रस्ट फोर्स मिलेगी। तो आप क्लियरली देख मिलेंगे कि इन दोनों का जब आप माइनस करेंगे ना डिफरेंस, W1 एयर में इसका जो वेट है, W2 इसका जो वेट है उसके अंदर लिक्विड में, जितना उसमें डिफरेंस था उतना ही वेट होगा हमारे पास इस डिस्प्लेस लिक्विड का। तो बच्चों इससे ये बात पता चली कि हमारे पास जो लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसके वेट के इक्वल अपथ्रस फोर्स अप्लाई होती है। ओके अब बच्चों हमने ये इसका कंसेप्ट सारा सीख लिया, अब हमने इसको मैथमेटिकली ड्राइव भी करना है। तो मैथमेटिकली ड्राइव करने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, हमने एक बड़ा सा ये बीकर ले लिया और उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट रखा है। ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जो जिसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है। ओके बच्चों इस यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने इस बॉक्स को क्या किया, सॉरी बॉक्स कह रहे हो सिलेंडर को, इस लिक्विड के अंदर इमर्स किया। तो इस लिक्विड में इमर्स करने से क्या हुआ, इसके ऊपर चारों तरफ से लिक्विड जो है वो एक फोर्स अप्लाई करेगा, एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा। जैसे बच्चों हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, उसके अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर चारों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है। हमने अक्सर ये भी सुना था कि एक जो बबल होता है वाटर बबल, वो उसकी शेप स्फेरिकल क्यों होती है, उसकी भी वजह यही है कि हर डायरेक्शन से उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है, इसलिए उसकी जो शेप है स्फेरिकल होती है। यहां पर आप देख सकते हैं एक एयर इनसाइड है वो भी सारी डायरेक्शन के अंदर उसको फोर्स लगा रही है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है रेड कलर से शो किया, हर डायरेक्शन से इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो सिर्फ लिक्विड के लिए नहीं है, वो फ्लूइड्स के लिए भी है जिसमें एयर आ जाती है, जिसमें सारे लिक्विड आ जाते हैं। तो बच्चों यहां पर जो ये सिलेंडर है जिसको हमने इस लिक्विड के अंदर इमर्स किया हुआ है उस पर भी चारों डायरेक्शन से जो प्रेशर है वो अप्लाई होगा, यानी इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, यानी यू समझ लें कि हर डायरेक्शन से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होगी या प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा। ओके तो अब देखिए यहां पर जो इस तरफ से फोर्स एक्ट हो रही है और जो इस तरफ से फोर्स एक्ट हो रही है वो तो कैंसिल हो जाती है, इसलिए बुक के अंदर भी आपने देखा होगा इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं दिखाई जा रही, सिर्फ और सिर्फ फोर्स दिखाई जा रही है अप और डाउन। अब बच्चों इसकी क्या वजह है, यहां पर एक कंसेप्ट है जो आपको सिखाना है। देखिए ये हमारे पास एक वाटर बॉटल है, आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसको 3 to 4 होल बना ले डिफरेंट हाइट के ऊपर। अब ये एक पहली डेप्थ, ये सेकंड डेप्थ, थर्ड डेप्थ, फोर्थ और फिफ्थ डेप्थ है। जैसे ही आप इसको वाटर फिल करने के बाद यूं रखेंगे जिससे मैंने इसको रखा हुआ है, तो आप ये बात नोट करेंगे कि यहां से वाटर जो है वो बहुत हाई प्रेशर के साथ बाहर आएगा, इस डेप्थ से थोड़ा प्रेशर कम होगा, ऊपर वाली डेप्थ से प्रेशर और कम, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। तो जो लिक्विड प्रेशर है वो डिपेंड करता है डेप्थ के ऊपर, जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना हाई प्रेशर होगा, जितनी डेप्थ कम होगी उतना प्रेशर लो होगा। तो एक डेप्थ के ऊपर जो प्रेशर है वो सेम रहता है। अब बच्चों देखो ये दोनों एक ही डेप्थ पे फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं या प्रेशर एक ही डेप्थ पे अपोजिटली है, कैंसिल, ये एक ही डेप्थ पर एक दूसरे के अपोजिट हैं, कैंसिल, एक ही डेप्थ पर एक दूसरे के अपोजिट, कैंसिल, एक ही डेप्थ पर एक दूसरे के अपोजिट, तो कैंसिल। लेकिन जो यहां पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है और जो यहां पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है बच्चों उसकी डेप्थ अलग अलग है, अलग अलग डेप्थ होने की वजह से अब इन दो पॉइंट्स के ऊपर जो प्रेशर है वो है तो अपोजिट लेकिन कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल तब होता है जब दो फोर्सेस इक्वल हों और अपोजिट हों। अब यहां पर ये अपोजिट तो है मगर इक्वल नहीं है, तो इसलिए बच्चों साइड से जो है वो प्रेशर कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इक्वल डेप्थ के ऊपर प्रेशर इक्वल होता है, लिक्विड इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करता है, वो कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए जो हमने यहां पर ऑब्जेक्ट इमर्स किया इसको इस डायरेक्शन से कोई कोई भी जो लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट नहीं हो रहा, लेकिन ऊपर वाली साइड से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है और नीचे वाली साइड से भी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। अब बच्चों हमने इस प्रेशर से ये मालूम करने की कितनी कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है और इस फोर्स को फिर हम नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे
और नेट फोर्स बच्चों हमारे पास जो है वो बेसिकली अप्सरस फोर्स होगी। एक फोर्स ऊपर से नीचे अप्लाई हो रही है, एक फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही है, तो ये दोनों फोर्सेस जो है वो मिलके हमारे पास बेसिकली क्या बनाती हैं, नेट फोर्स बनाती है, वो नेट फोर्स अप्सरस फोर्स कहलाएगी। तो अब हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, तो बच्चों ये बात जान लें कि डिफरेंट डेप्थ के ऊपर प्रेशर डिफरेंट होता है, इसलिए यहां पर जो प्रेशर है वो P1, इस डेप्थ पर जो प्रेशर है वो P2 है। ओके, ये जो डेप्थ है यहां से लेकर यहां तक ये H1 है, और ये जो डेप्थ है इसकी यहां से लेकर यहां तक वो H2 है। ओके बच्चों, अब हम मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करते हैं। तो लिक्विड प्रेशर एट द डेप्थ H1, तो याद रखो बच्चों हमने इससे पहले प्रीवियस टॉपिक के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला होता है P = ρgh, P = ρgh, जिसमें रो इंडिकेट कर रहा है डेंसिटी को, जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एच वो डेप्थ को शो कर रहा है, एच हमारे पास डेप्थ को शो कर रहा है। ओके बच्चों, अब यहां पर देखें तो जो हमारे पास ये डेप्थ H1 है, H1 डेप्थ के ऊपर जो प्रेशर है वो P1 प्रेशर है, तो आपने लिखा P1 = ρgh1। क्यों लिखा, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि प्रेशर इन द लिक्विड जो है वो किस फॉर्मूले से डिनोट किया जाता है, P = ρgh। ओके, तो पी इस प्रेशर P1, इस पॉइंट पे प्रेशर P1 है, इसलिए लिखा ρgh1, ये H1 डेप्थ के ऊपर है। ओके, तो बच्चों हमने यहां से फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो हम जानते हैं प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया, तो आप लिख सकते हैं इस प्रेशर P1 की जगह पर F1 डिवाइडेड बाय एरिया। इधर जो फोर्स अप्लाई हो रही है इसको हमने F1 का नाम दिया था, और ये जिस एरिया पर अप्लाई हो रही है उस एरिया को हमने कैपिटल A का नाम दिया था, इसलिए लिखा F1/A = ρgh1। अब बच्चों हमें क्योंकि फोर्स निकालनी है, एरिया यहां पर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, F1/ρgh1 * एरिया। ओके, अब बच्चों क्या होगा, दूसरी तरफ ये जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है, इस सेकंड डेप्थ पे जिसको हमने H2 कहा, H2 डेप्थ के ऊपर जो प्रेशर है उसको हम मान लेंगे P2 प्रेशर है। ओके, तो लिक्विड प्रेशर एट डेप्थ H2 वो क्या होगा हमारे पास, P2 = ρgh2। बच्चों प्रेशर इन लिक्विड ρgh होता है, अब वो अगर डेप्थ H1 पर है तो ρgh1 कहेंगे, अगर डेप्थ H2 पर है तो बोलेंगे ρgh2, बस इतना सा फर्क है, और सेम टू सेम वैसे ही स्टेप्स यहां पर रिवाइज होंगे। देखें यहां पर प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया था, लेकिन क्योंकि प्रेशर P1 है वहां पर फोर्स को हमने F1 कहा, यहां पर प्रेशर P2 है तो हमने फोर्स का नाम रखा F2/A = ρgh2। सिंपली जो एरिया यहां पर डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों मल्टीप्लाई करना है हमने उधर जाके, क्योंकि बच्चों हमें चाहिए फोर्स। ओके, तो फोर्स F2 कितनी आ गई, ρgh2 * एरिया। ओके, हमने क्या कैलकुलेट करनी है, नेट फोर्स, क्योंकि नेट फोर्स इंडिकेट करेगी अप्सरस फोर्स को। ओके, तो नेट फोर्स बच्चे हम निकालेंगे net force = F2 - F1। अब वैसे तो नेट फोर्स हम क्या करते हैं, बेसिकली ऐड करते हैं फोर्सेस को, लेकिन यहां पर फोर्सेस क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज अपोजिट डायरेक्शन में हो, हम उनको डील कर रहे हो, तो किसी एक के साथ हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, इसलिए बच्चों F1 के साथ हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, यह वजह है कि F2 - F1 कर रहे हैं हम, क्योंकि नेट फोर्स है तो हम प्लस करते हैं, लेकिन दो फोर्सेस अपोजिट हैं, इस वजह से एक के साथ नेगेटिव साइन लगाया, तो ये बन गया F2 - F1। ओके, अब F2 वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, ये है हमारे पास F2 की वैल्यू की तरह यहां पर ρgh2, और F1 की वैल्यू ये है ρgh1 * एरिया। ये अब इनमें बच्चों कॉमन आ रहा है, देखिए रो कॉमन, जी और जी कॉमन, एरिया और एरिया कॉमन, तो ρag कॉमन आ गया, क्या बचा H2 - H1। अब यहां देखिए बच्चों ये H1 है, ये H है, और ये पूरा H2 है, तो आप जरा गौर करें कि H1 प्लस H किसके इक्वल है, H2 के, तो लिखा H1 प्लस H = H2। हमें H की अगर H की वैल्यू निकालनी है तो H इधर ही रहेगा, H1 उधर जाके माइनस होगा, तो पता लगा कि H2 - H1 इक्वल होता है हाइट के H के, तो बच्चों ये H2 - H1 की जगह हमने क्या लिख दिया, H लिख दिया। ओके, अब देखिए एरिया इंटू हाइट हमारे पास होता है वॉल्यूम, कैसे, लेंथ इंटू विड्थ हमारे पास बनता है एरिया, area = length multiplied by width। ओके, तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो बच्चों लेंथ इंटू विड्थ की जगह हम एरिया लिख देंगे, V = area multiplied by height, तो वॉल्यूम का एक ये भी फॉर्मूला होता है, इसलिए हमारे पास एरिया इंटू हाइट बन गया वॉल्यूम V, इस फॉर्मूले से वॉल्यूम = area * height, तो ये area * height,
तो ये बन गया हमारे पास रो जी वी इक्वल्स टू एम जी। एम जी कैसे आएगा ये भी आपको देखना है बच्चों। हमने देखा कि डेंसिटी, डेंसिटी बेसिकली डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो यहां पर डेंसिटी की वैल्यू पुट करें ना जरा, क्या आंसर आएगा आपके पास। नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू, यहां पर पुट कर लेते हैं एम बाय वी मल्टीप्लाई बाय जी वी, तो वी वी से कट जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम जी यानी वेट के इक्वल आ जाएगा। किसका वेट, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो कि डिस्प्लेस हुआ है बच्चों। ये था हमारा आज का टॉपिक आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर।